सो गाइज आज मैं कर रहा हूँ फर्स्ट बार कार ड्राइव और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। और वैसे कार मेरे को पहले भी चलाना आती थी लेकिन आज मैं पहली बार मतलब मौका आज ही मिला है हमें मौका नहीं मतलब मैं ऐसे किसी की गाड़ी लेता नहीं हूँ, ठीक है। और ये तो अपनी भाई की गाड़ी है, भाई की नहीं अपनी है अपनी ही है। और आज मतलब पहली बार फर्स्ट ड्राइव में ड्राइव कर रहा हूँ। ऐसे बहुत बार ड्राइव कर चुका हूँ मैं, बहुत बार ड्राइव किया है मैंने, बट अकेला आज पहली बार कर रहा हूँ, ठीक है। और मतलब मेरे को कार चलाना आता है लेकिन मैं किसी की कार ऐसे लेता नहीं हूँ और ये तो अपनी ही गाड़ी है, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हो और कार चलाने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है भाई। बाइक पे बैठते हैं ना तो यही सोचते हैं कि यार अपनी कार कब आएगी, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बाइक पे भी, ठीक है। लेकिन पता है कब ज्यादा है ना प्रॉब्लम आती है बाइक पे, जब मान लो अपन घर से बाहर निकल रहे हैं नहा धो के, ठीक है, और उसमें फिर धूल मिट्टी लगती है तो प्रॉब्लम होती है। और आपको पता ही है हम कहाँ पे रहते हैं, ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे धूल मिट्टी उड़ती है, धूल मिट्टी बहुत ही ज्यादा उड़ती है तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। हमारे पास पहले साइकिल थी तब ऐसे सोचते थे काश हमारे पास बाइक आ जाए और अब बाइक आ गई है तो अब ऐसे सोचते हैं कि काश हमारे पास फोर व्हीलर आ जाए। और भाई फोर व्हीलर आने के बाद राजेश भाई तो ऐसे सोचेंगे काश मर्सिडीज बेंज आ जाए। अरे भाई बिल्कुल यार, भाई मेरे को तो चलानी भी नहीं आती भाई। मेरे तो मेरा तो ड्रीम एक ही है कि भाई जिस दिन मैं मेरी खुद की कमाई पे कार लूंगा ना तो उसको मैं खुद ही लेके आऊंगा शोरूम में से, चाहे कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो यार पता है क्या है, एक कार चलाने का ऐसा होता है कि कार में बहुत ही आप मतलब कंफर्टेबल रहते हो बहुत ही ज्यादा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसा कि आप देख सकते हो जैसे हम बैठे हैं आराम से, ठीक है, एक पैक हो जाता है सिस्टम और ना ही कोई सामने से धूल उड़ रही हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है आपको पता है कार में। और पिछले वीडियो में आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिखाया, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है पिछले वाले वीडियो में, तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाओ यार। काफी दिनों से मतलब अकाउंट थोड़ा डाउन चल रहा था, अब जाके ठीक हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और वीडियो आगे जरूर देखना। अभी तक हमारी मस्ती बाकी है, ये तो मैंने बस बोला है आप लोगों को कि भाई ध्यान रखना इन चीजों का, तो मैं दिखाता हूँ आगे का सीन आपको। ये जो हम दिल्ली हाईवे पे जा रहे हैं जो चेक पोस्ट है ना, उधर की साइड नहीं जाएंगे, इधर की साइड जाएंगे क्योंकि हमें पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में। और फिर जो इनके मालिक है हमारे राज भाई, वो शाम को कहीं पार्टी में जाएंगे, कोई प्रोग्राम में जाएंगे, इसलिए वो क्या है शॉप पे चले गए, तो हमारे नवरत्न भाई लेके आए इनको पेट्रोल डलवाने के लिए, लेके आए हैं गाड़ी को। ये देखो नवरत्न भाई, क्यों ना सिद्धू मूसेवाला का गाना चलाया जाए, सैम बीप। बिल्कुल भाई, ये भी चलाते हैं साइड में रोक के। ये देखो हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी, देखो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, इसलिए रोक के चला रहे हैं क्योंकि पहले ही सब कुछ वो कर ले, क्योंकि समझ सकते हो ना आप लोग। हाँ नवरत्न भाई सही है ना, इतना भयंकर एक्सपीरियंस नहीं है कि हम चलती कार में म्यूजिक चला सके, नहीं ऐसे तो चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, चलता भी नहीं है। ये देखो पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं अभी इसमें नवरत्न भाई, ट्राई कर रहे हैं, लग रहा है यार पेट्रोल डलने के बाद ही चलेंगे इसमें गाने, वो आ गए ना लो। नहीं पेट्रोल डलने के बाद ही चलेंगे गाने, मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें, बहुत बार मैंने पहले भी ट्राई किया था। और गाड़ी का बैकग्राउंड देख के बताओ ये कौन सी कार है, सॉरी गाड़ी नहीं, ये कौन सी कार है आप देख के बताओ एक बार, कमेंट में बताओ कौन सी है। हो गया। सही है ना नवरत्न भाई, सही है, कमेंट में बताओ ये कौन सी कार है, सबके कमेंटों का रिप्लाई किया जाएगा, एक बार आप ऐसे बताओ कि ये कौन सी कार है नवरत्न भाई, सबका कमेंट में रिप्लाई करेंगे, बताओ मेरे को, बताओ कौन सी हो सकती है यार। इतना भी अभी तक मैंने इतना कुछ बता दिया, अभी तक भी पता नहीं लगा क्या आप लोगों को, अब तो लग गया होगा। ये देखो सैम बीप, नवरत्न ट्राई कर रहे हैं म्यूजिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक नहीं चला पाए, वो क्या इनमें बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट है ना, इस वजह से उनको डिलीट कर रहे हैं। देखो वरना नवरत्न भाई ये तो छोटी मोटी बात है, ये है ना आसमान पे चढ़ जाए, बहुत खतरी आदमी है, इनका चैनल टेक्निकल के नाम से होना चाहिए था लेकिन इन्होंने नवरत्न ब्लॉग के नाम से कर दिया। तो
देखो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है भाई, मैं कनेक्ट करके मानूंगा कुछ भी हो जाए। कोशिश चल रही है। देखो ये मंदिर है यहाँ पे छोटा सा, एक महादेव का मंदिर है ना ये, ये छोटा एक मंदिर है यहाँ पे महादेव का। और नवरतन भाई ने कर ही दिया फाइनली, देखो हो गया हो गया हो गया। नहीं 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 हुआ यार, हो गया हो गया भाई हो गया। गाना सिद्धू मूसे वाला का लगना चाहिए, सैम वीक वाला। नवरतन भाई ने कर ही दिया काम फिर। देखो काफी भोले बनते हैं भाई। बेस्ट यू है अपनी गाड़ी में, बेस्ट यू पीछे तगड़ा व्यू है इसमें। अब आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सी कार है, हम तो बताएंगे लास्ट में, उसके लिए वेट करना। लेकिन आप लोगों को मैं देखना चाहता हूँ कि ये कौन सी कार है। और ये देखो काफी मजा आ रहा है हमें। और हमने फाइनली म्यूजिक चला ही दिया। हमारे 15 मिनट खराब हो गए म्यूजिक के चक्रों में, लेकिन हम कभी भी नहीं अटकेंगे। अब इसमें बैठेंगे ना तो एक मिनट में चला देंगे हम, क्योंकि पहले इतना नहीं पता था। और ये देखो नवरतन भाई काफी हिसाब से चला रहे हैं, तेज नहीं चला रहे, हाईवे नहीं है नहीं तो। अभी तो नवरतन भाई पता नहीं कौन सी स्पीड में चलाते इसको। देखो भाई सिद्धू मूसे वाले गाने में बाइक अलग ही आती है यार, बाइक को बाइक अलग ही आती है ना। नवरत्न भाई सिद्धू मूसे वाले गाने में बाइक अलग ही आती है ना भाई, मैं यही गाने सुनता हूँ। सिद्धू मूसे वाले का सलाम इनके लिए भाई, ये बंदा है ना लीजेंड है। देखो सिद्धू मूसे वाला है ना लीजेंड है, लीजेंड रहेगा भाई मेरी नजर भाई, कोई मानता हो या नहीं मानता हो। किंग है, किंग इससे ज्यादा भाई, लीजेंड का मतलब होता है सहजादा, और सहजादा रहेगा भाई। सिद्धू मूसे वाला एक फेवरेट पोज पता है कौन सा था, ऐसे ऐसे करता तू चाहे मो या चेंज पर ले, वही का रेंज बेटे वही सेम यार साटे वही सेम डिफरेंस। हम पेट्रोल पंप पे पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, 2 या 3 मिनट में पहुंच जाएंगे और इसमें पेट्रोल डलवाएंगे। पेट्रोल नहीं है, देखो चल भी है कन भी है प्यार भी है कन भी है लाइन हाथ तो कन भी है मिले कोई चौंदा है। यार अपन को तो सिद्धू मूसे वाला यही गाना आता है, गेम वो चला सिद्धू मूसे वाला का यही गाना आता है। मैं आधा मुझे बहुत ही पसंद है गेम, और इस मतलब सिद्धू मूसे वाला का शायद फेवरेट गाना भी यही है मेरे हिसाब से। इसमें वो लिपसिंग की है सिद्धू भाई ने कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। इस गाने पे शायद 300-400 मिलियन व्यूज है ना। भाई हाथी गाँव चलेंगे क्या, यो मेरे ते नजर रखियो नजर रखियो। Yeah, they get it, you know, do it, got you, but yeah,
देखो यहाँ पे हाथी की सवारी हो रही है, देखो यहाँ पे हाथी गांव है तो आगे हाथी की सवारी की जाती है इस रूट में। हाथी गांव है, उधर बहुत सारे हाथी रहते हैं। ये देखो भाई, हाथी राजस्थान में ही है ना, इसके अलावा कहीं पे नहीं है ना। यार इतना तो मुझे भी नहीं पता। नहीं यार मेरे को पता है कि राजस्थान में बोन लिफोर हमारे आमेर में ही है। देखो सबसे राजस्थान का सबसे बड़ा पशु हटवाड़ा भी यही है हमारे इधर ही, अगर के मतलब क्या बोलते हो, हटवाड़ा ही बोलते हो उसको। और ये हाथी गांव है जस्ट आगे, ये टिकटॉकर मिस्टर फेजू है ना जो यहाँ पे आए थे, हाथी गांव में, हाथी गांव में उनकी एक पिक भी है। और हाथी रियली में है ना, हाथी की सवारी है ना आमेर में की जाती है। आमेर का जो महल है ना काफी फेमस है। ये देखो काफी कूल कूल हो गया है हमारी बॉडी, क्योंकि नवरत्न भाई ने ऐसी चला दी। सिद्धू मूसेवाला का गाने सुनते ही मतलब सारी बॉडी में पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन हम वो जोश नहीं दिखा रहे क्योंकि इतना चलाना नहीं आता नवरत्न भाई को। नहीं तो अभी तक तो टू व्हीलर होती ना तो भाई साहब वो तो 150 की स्पीड में जाती भाई, बॉडी में एक करंट सा लगता है यार। हमारे है ना ये है ना ये ट्रैक्टर, इनमें भी सिद्धू मूसेवाला गाना बजता है कभी कभी। सिस्टम है भाई। ओ लातू मेरा कंधा दी तेरी तू दुनिया तेलू जेल पेगड़ा मेरा दिन रे तेरी तू दुनिया तेलू जेल पेगड़ा। कानून तोड़ने का हक है, दिल्ली रोड पे आ चुके हैं हम और पेट्रोल पंप आने वाला है। पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं हम, देख सकते हो आप लोग, यह है कुंडा का फेमस पेट्रोल पंप। पेट्रोल
देखो मीटर देख सकते हो आप। नवरत्न अटना भाई एक बार गणपति बाबा की जय। गणपति बाबा मोरिया डलवा लिया है पेट्रोल। दिल्ली हाईवे देखो भाई जरूरी है आराम से ले ले ब्रदर। इसको बोल लो ब्रदर स्टैंडर्ड है। इतनी भयंकर चलानी नहीं आती अभी तक। अगर चलानी आती हो ना आप तक तो और अब हम चाय पियेंगे। बहुत अच्छी चाय मिलती है यहाँ पे चाय पियेंगे रोक के होटल पे। होटल पे रुक के चाय पियेंगे यहाँ पे। बहुत अच्छी चाय मिलती है। मैं और नवरत्न भाई देखो होटल पीएस दिल्ली हाईवे यहाँ पे चाय पियेंगे अपन। कल और देखो ये कार कौन सी है नवरत्न भाई बताएंगे। नवरत्न भाई कौन सी है बताओ। हाँ अगर आपने नोटिस किया होगा ना तो जो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा था ना वहाँ पे उस बॉक्स पे लिखा हुआ था। अगर भाई कोई अगर ध्यान से वीडियो देख रहा होगा ना उसको तो पता है कि ये कौन सी कार है। और हम यहाँ पे चाय पियेंगे होटल पे। चाय पियेंगे होटल भैया दो चाय दे दो। अरे यार या मत दीजो बनाते हो। ये देखो पेट्रोल पंप के सामने है जस्ट। ये आप भी कभी पेट्रोल डलवाने के लिए आओ तो यहाँ पे चाय जरूर पी के जाना भैया के पास में। और ये हमारी नवरत्न बॉस। गाइस हमने फाइनली होटल पे चाय पी ली है मैंने और नवरत्न भाई ने। अब हम जा रहे हैं घर के लिए। तो वहाँ पे हमारी बाइक खड़ी है और इसको राज भाई के घर पे खड़ी करके और फिर हम अपने घर पे निकलेंगे। और हमने बहुत ही इंजॉय की और हम आगे भी ऐसे इंजॉय करते रहेंगे और हम कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। हम भी लेके आएंगे। तब तक तो हमारे पास है ही है अपनी कार राज भाई की और हम भी इतने मेहनत करेंगे कि हमारे पास भी हो पर्सनल ताकि कहीं पे भी घूम सके हम। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना आप लोग। अभी तो बहुत कुछ बाकी है देखना। और ये देखो हमारे नवरत्न भाई जो कार चला रहे हैं देख सकते हो। चाय पीने के बाद अलग ही मजा आता है वहाँ पे क्योंकि वो चाय वाला बहुत अच्छी चाय देते हैं। दस दानी है दा उठ दवानी कितना जा मिटिए।
ਅਖੰਡ ਦੀ और आपको एक बात बता दूं, अगर इन फ्यूचर में हम यूट्यूबर बन गए ना तो हमारा जो स्टूडियो है ना, जो नवरत्न भाई का स्टूडियो जो यहाँ पे बनेगा इसके ऊपर, ये जो हम अगर इन फ्यूचर में यूट्यूबर बन गए ना तो इसके ऊपर बनेगा स्टूडियो, हमारा यूट्यूब का स्टूडियो इसके ऊपर बनेगा। ये नवरत्न और भाई की, नवरत्न भाई की भूमि है ये, मतलब जमीन इनकी है, ये दुकानें उकाने है इनकी, प्लान है यहाँ पे स्टूडियो खोलने का। अभी देखो आगे क्या होता है, लेकिन स्टूडियो तो बनाएंगे यार, कहीं पे अलग ही बनाएंगे स्टूडियो, सही ना रोदन भाई? ओ अरे लेखदा जा विखिया बोलने करो तस्वीर आ विखिया, ओ मुझसे हाला चौंदाई अमर हो गया। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस, आगे भी ऐसे हमारे पूरे वीडियो देखना और पिछले वीडियो जरूर देखना, उनमें काफी एंजॉय किए नवरत्न भाई ने, और एक गांव का ब्लॉग भी है नवरत्न भाई का फैमिली के साथ में, तो उसको भी आपने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि इस वीडियो को भी दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू और ढेर सारा लव यू और बहुत सारा प्यार। और ऐसा नहीं है भाई, बड़े यूट्यूबर बन गए ना तो भाई ये मेरा प्रॉमिस रहा कि मैं, मतलब मेरा यही है, सबको सपोर्ट करेंगे कि, मतलब। और दूसरी बात ये, भाई का कमिंग सून में फोन आने वाला है 15 प्रो, देख सॉरी 15, वो कल या परसों में ले लेंगे भाई, तो उस वीडियो को भी जरूर देखना आप, ठीक है गाइस? ठीक है, चलते हैं, लव यू गाइस।